बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। हम कर रहे हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.3। उसका करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन 4 सिंपलीफाई। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका 3 प्लस अंडर रूट 3 स्केयर रूट। ठीक है, 3 माइनस स्केयर रूट 3। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके इनका इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3 आपका a है एंड स्क्वायर रूट 3 जो है वो आपका b है। तो अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। अब आप ओपन करें, 3 3 9। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कट जाएगी, जस्ट आ जाएगा 3। 9 - 3 = 6 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। दिस इज 4.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन 4 का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसको हम फार्मूला को ओपन करेंगे इस तरीके से, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा ए जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 और बी हमारा स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 5 जो है इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट से कट जाएगी, 5 प्लस 2 और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 में जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट से कट जाएगी, तो सिंपल 3 रह जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, 5 प्लस 3, ठीक है, और प्लस ये 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका भी है, दोनों को एक ही में हम लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।